हत्या कर रहे थे ना? जी मैं आत्महत्या। हाँ हाँ आत्महत्या यानी खुदकुशी। ओह खुदकुशी जी, वो मैं खुदकुशी। आप ही ने तो कहा था मुझे ऐसे आदमी को पानी में डूब मरना चाहिए। वो तो मैंने यूं ही, मेरा मतलब है मुझे माफ कीजिए, आई एम सॉरी। आपने ठीक ही कहा था, मुझे ऐसे आदमी को डूब मरना चाहिए। मगर आत्महत्या करना पाप है, जुर्म है। अब तो तुम खुदकुशी नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। जब और सब पाप कर लिए तो यही क्यों रह जाए? आपने मुझे पानी में डूबने से बचा लिया तो क्या हुआ? मगर सुनो सुनो, मैं तुम्हें खुदकुशी करने नहीं दूंगी। कैसे नहीं करने देंगी, जब मैं अपनी जान देने पर तुला हूँ आप मुझे कैसे रोक सकती? मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा सकती हूँ। पुलिस 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 पुलिस। देखो देखो ये आदमी। क्या गोल माल है? माल तो है हवलदार साहब, गोल करना जरा टेढ़ी खीर है। ये आदमी ये अभी अभी मैं बताता हूँ हवलदार साहब, आप जरा इधर आइए आइए आइए। हवलदार साहब ये वही है। कौन, तुम्हारी घरवाली? जी हाँ बिल्कुल वही है। सूरत से तो बुरी नहीं लगती। इसकी सूरत पर मत जाइए हवलदार साहब, मीठी छुरी है, मीठी छुरी। नाक में दम कर दिया है मेरे, अभी अभी समंदर में कूद पड़ी, बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है। कहती है कि मैं भी डूबूंगी और तुम्हें भी ले डूबूंगी। अब कहता हूँ कि भगवान घर चल, तो नहीं जाती। ये बात है? हाँ जी अभी से ठीक ये देता। बड़ी कृपा होगी माई बाप सरकार, बस ये समझ लीजिए कि मेरा घर बस जाएगा। हाँ। ए, ए, क्या है? चलो जाओ। कहाँ? अपने घर। ए, तुम्हें चलो। जो हुक्म हवलदार साहब, मैं तो ताबेदार हूँ आपका। ए जी अब चल भी दो, गुस्से को थूक डालो जी। क्या क्या कह रहे हो, नहीं जाते? तुम कौन होते मुझे हुक्म देने वाले? सुन लिया हवलदार साहब, मैं कौन होता हूँ हुक्म देने वाला? हाँ 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 अब आप ही ने बताइए कि मैं कौन होता हूँ। ओह हाय राम। ए चुप के घर जाओ, नहीं तो तुम्हें चौकी ले जाना पड़ेगा। चौकी? क्यों, मेरा जुर्म क्या है? आत्महत्या। अभी तुम पानी में नहीं कूदी थी? वो तो मैं इसे सुना हवलदार साहब, वो तो दरअसल मुझे बचाने के लिए कूदी थी। मैं कुछ सुना नहीं चाहता, जाओ अपने घर। अरे तुम भी चलो। क्या बच्चों की तरह लड़ते हो, पति पत्नी के झगड़े हर घर गृहस्थी में होते हैं, मगर शरीफ औरतें इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं चली जाती। तुम लोग नए जमाने के हो, औरत घर की लक्ष्मी है, घर की शोभा है, तुम लोग क्या समझो? हिंदुस्तानी लड़कियों का धर्म है अपने पति को देवता मानना चाहिए, अपने पति की सेवा करना चाहिए। बस बस यही मेरा घर, अब आप लोग जाइए। फिर क्या मचा, जो अपना घर बसाओ। मुँह क्या देखता है, लेके जाओ उसको। मुंबई निवासियों को मेरा प्रणाम, हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। आप सब जानते हैं कि मेरे आदर्श में धर्म और राष्ट्रीय संस्कृति का कितना ऊंचा स्थान है। मुझे देखिए, मेरे वस्त्रों को देखिए, टोपी से लेकर चप्पल तक जो कुछ मैं पहनता हूँ वो स्वदेशी है। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, समझे ना भाई लोग, इसी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल। आज सारे संसार के सामने जो कठिन समस्याएं हैं उनमें सबसे बड़ा सवाल है रोटी का, आप समझे ना, रोटी यानी चपाती, नान भाकर खानी, इडली डोसे, मीट भाकर, किस नाम से भी पुकारिए, दुनिया में रोटी से बढ़कर प्यारी चीज कोई नहीं। क्यों भाई ये दुख होता है? हाँ है, रोटी से भी बढ़कर इंसान के लिए जरूरी चीज है उसकी आत्मा, उसके मन की शांति, और मन की शांति मिलती है पेट भरने से। क्यों भाई ये झूठ कहता हूँ? हाँ झूठ कहता है जो कोई धर्म को, आत्मा को, श्रद्धा को झुठलाता है और उसके बदले में ये रोटी का नया और जहरीला धर्म फैलाता है। हाँ तो भाइयों, जिन्होंने रोटी खानी हो इधर आ जाएं और हवा खाने वाले उधर चले जाएं। खामोश खामोश। सजनों देवियों ठहरो, सुनो, इतिहास तुम्हें पुकार रहा है, समय तुम्हें ललकार रहा है और मैं तुम्हें, अरे ठहरो सुनो, मुझको सुनो, मैं आओ
मंत्री के प्रेमियों, तुम्हारे पेट के सवाल का जवाब मेरे पास है, मगर सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, रोटी खाने के लिए किस चीज की जरूरत है? पास मेरे भाइयों, मगर पैसे से भी बढ़कर एक चीज की जरूरत है। पैसे बिना रोटी चुरा कर खाई जा सकती है, भीख मांग कर, धोखा देकर, झूठ बोलकर रोटी खाई जा सकती है, मगर जिस चीज के बिना कोई रोटी नहीं खा सकता वो है दांत। दांत क्या? दांत यानी के दांत, समझे ना भाई लोग, दांत। अगर आपके दांत मजबूत नहीं है तो आप रोटी को चबा कर नहीं खा सकते, और अगर आप चबा कर रोटी नहीं खाएंगे तो आपको बदहजमी होगी, आप बीमार होंगे, कमजोर होंगे, और अगर आप कमजोर होंगे तो कौम कमजोर होगी, और अगर कौम कमजोर होगी तो दुश्मन हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे, हम फिर गुलाम बना लिए जाएंगे। इसलिए अगर आप भारत की आजादी को कायम रखना चाहते हैं, अपनी कौम को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपने दांतों की हिफाजत कीजिए, उन्हें रोज सवेरे मेरे ईजाद किए हुए चांद सूरज मंजन के साथ रगड़ के साफ कीजिए। ये मंजन आपके दांतों को चांद और सूरज की तरह रोशन कर देगा। एक शीशी के दाम चार आने, सिर्फ चार आने भाइयों। क्यों में लगाइए, लाइन में लगाइए। तीन गुलाम, तीन बेगम, और आपके पास तीन बादशाह, और मेरे पास तो तीन इक्के हैं जी। शाबाश। बहुत खूब। माफ कीजिएगा मैम साहब जी, मैं वो कपड़े जी मैम साहब जी, वो बात ये है जी कि मैं लॉन्ड्री से कपड़े ला, जॉनी का ड्रेस सूट होगा। जी ड्रेस सूट, बिल्कुल ड्रेस सूट। मैं वो सनलाइट सोप कंपनी, मेरा मतलब सनलाइट लॉन्ड्री, जय भारत लॉन्ड्री से आया हूँ मैम साहब। मैं चाहता हूँ रिसीट सेंड कर दीजिए। इधर आओ, बैठ जाओ। माफ कर दीजिए मैम साहब, मेरी गलती है जी, वो तो मैं मेरी शिकायत मत कीजिएगा मैम साहब, मेरा मालिक बहुत जाले में मुझे नौकरी से निकाल देगा। बैठ जाओ। मैम साहब मैं कुछ नहीं जानता। मुझे गलत मत समझिए मैम साहब, ये मेरा धंधा नहीं है, ये तो मैं वक्त काटने के लिए 9-2-11 किया करता हूँ। बांटो अब। देखिए अपने पत्ते, तीन इक्के हैं आपके पास। सच कहता हूँ मैम साहब, मैं 420 नहीं हूँ, तीन बादशाह हैं मेरे पास। देखिए कमाल है, बहुत खूब। तो मैं जाऊं मैम साहब। देखिए मैम साहब, मैं सच कहता हूँ, मैं पत्तेबाज नहीं हूँ, पुलिस को मत कहिएगा मैम साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं सच कहता हूँ, मेरा मालिक बहुत जुल्मी है। देखिए आप मेरी रसीद साइन कर दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी मैम साहब, मेरी रसीद। बैठ जाओ, मैं अभी आई। जॉनी, मेरी बात सुनो, ये बड़े पत्तेबाज बनते हो, इस कमरे में आओ तो मैं सचमुच का जादू कर दिखाऊं। पत्ते बांटता है, तीन एक ही निकालता है। जॉनी उठ जाओ। ओह, शराब, कभी तो होश में आया कर। जॉनी पार्टी में जाना है, देर हो रही है। पार्टी? कैसी पार्टी? मुझे कहीं पत्ते खेलने नहीं जाना है। जॉनी कुछ तो सोचो कि मैं कितनी मुश्किलों से ये दावतें लाती हूँ और तुम हमेशा शराब में बेहोश पड़े रहते हो। जॉनी मेरी बात सुन, उस कमरे में एक बहुत होशियार पत्ते पास, सब कुछ सिखा सकता। तो फिर उसी के साथ चले जाओ ना, मुझे कहीं पार्टी वार्टी में नहीं जाने का। जाओ। मैं फोन कर देती हूँ कि हम नहीं आ रहे। गेट आउट। पुलिस को मत बुलाइए मैम साहब, पुलिस को मत बुलाइए, मैं बड़ा गरीब आदमी, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा मैम साहब। पुलिस? पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। आप क्या चाहती हैं मैम साहब? देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं शरीफ आदमी हूं, आप मेरी रसीद साइन कर दीजिए मैम साहब, मैं चला जाता हूँ। वो भी हो जाएगी,
ड्रेस सूट। कपड़े बदलो जी। ये ड्रेस सूट रख दो उधर। मेम साहब ये गोलमाल कितने का है? होंगे कोई 20-1 हजार, मगर तुमसे मतलब। 20 हजार? इतना रुपया? और ये सब मैंने अपनी चालों से बनाया है मेम साहब। तो अब तुम अपनी सबसे तेज चाल दिखाओ और यहां से चलते फिरते नजर आओ, समझे? साहब ये रुपया मैंने कमाया है, इस रुपये में आपका और मेरा बराबर का हिस्सा होना चाहिए। बराबर का हिस्सा? मेरी बराबरी करते हो? तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? मैंने चंद घंटों के लिए तुम्हें एक नई जिंदगी उधार दे दी तो दिमाग खराब हो गया। हम लोगों की बराबरी करते हो? अपने औकात मत भूलो कि तुम एक लौंडे में 45 रुपए में नौकर हो। कपड़ों पे नजर डालो, अपनी सूरत आईने में देखो और जाओ वापस उसी गटर में जहां से तुम आए हो। तुम लॉन्ड्री से कपड़े लाए थे ना? ये है उसकी रसीद। और हां, ये लो। तुम्हारी बख्शीश। Get out. धर्म और पवित्रता के घोंसले से निकलकर बाहर आ और देखो जिंदगी किस चिड़िया का नाम है। सोने की चिड़िया का। जानती हूं मैं कौन? चिड़ी का गुलाम। तुम पी कर आए हो राज, नशे में धुत। जमाना ये समझा कि हम पी कर आए। खूब जोर से हंसो। और बाद में कितनी खुशी की, आज तुम्हारी वजह से मेरा अपमान हुआ, मेरी जगह साई हुई। जिंदगी में पहली बार मुझे दुनिया के सामने नजरें नीची करनी पड़ी। लोग क्या कहते होंगे? लोग कहते तो कहने दो, जमाने ने हमारे लिए क्या किया जो हमें जमाने की परवाह हो। जब मैं भूखा था तो दुनिया ने मुझे खाना नहीं दिया, और जब मैं बेकार था तो दुनिया ने मुझे काम नहीं दिया, और जब मैं बेघर था तो इसी दुनिया ने मुझे रहने के लिए मकान नहीं दिया। मगर अब तुम देखोगे यही दुनिया हमारी इज्जत करे, हमें झुक झुक के सलाम करे, इसलिए कि ये देखो। जानती हो ये क्या है? दौलत, इज्जत, नाम, शोहरत, ऐशो आराम है। इसमें तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक नई जिंदगी है, मेरे लिए और तुम्हारे लिए। तुमने चोरी की है। हाथ की सफाई मैडम, इधर का पत्ता उधर और उधर का पत्ता इधर। तुमने पत्ते लगाए, बेईमानी की।
मगर बेईमानी का फल कभी मीठा नहीं होता है। तो ये देखो बेईमानी का कड़वा फल। पूछ क्या गिरे भी तो कागज के इन टुकड़ों को लिए राज। मगर याद रखो एक दिन किस्मत की कोई आंधी आएगी और इन्हें उड़ाकर ले जाएगी, मगर तुम बेईमानी की इस कीचड़ में पड़े इन्हें ढूंढते रहोगे। राज 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 जाल में ना फंसो, धोखेबाजी और बेईमानी की इस कीचड़ में ना गिरो। राज ये उन लोगों से जाकर कहो जो इसी कीचड़ में से हीरे जवाहरात बनाते, झूठ बेईमानी और धोखे से लाखों रुपए कमाते हैं और इस दुनिया के मालिक बने हुए। लेकिन लेकिन ये ईमानदारी का उपदेश हमेशा गरीब आदमी को दिया जाता है कि तुम दिन भर मेहनत करो, काम करो और फिर ईमानदारी की रूखी झूकी खाकर भगवान और धनवान का शुक्र करो। कितने बदल गए हो तुम। एक दिन तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर आए और मैं समझी थी कि मेरी जिंदगी में कोई बिगड़ा दिल शहजादा आ गया। राज तुमने कहा था भूल जाओ उस राज को, विद्या उस राज को भूल जाओ जो था सो था, मुड़ मुड़ के ना देख मेरी जान, मुड़ मुड़ के ना देख। अब हम एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं। बोलो साथ देना, बोलो बोलो साथ देना। जिस दुनिया में तुम पहुंच चुके हो राज, वहां हर चीज बेची और खरीदी जाती है, मगर मैं बिकाऊ नहीं, समझे? मैं बिकाऊ नहीं हूं। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं। याद रखना मैडम, तुम और तुम जैसे ईमानदारी का राग अलापने वाले भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे। मैं भूखा नहीं मरूंगा। विद्या ठीक कहती थी, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं उस रास्ते पे तुम्हें विद्या की नहीं माया की जरूरत है, माया की। क्यों, तुम तो बड़े बुजदिल निकले। मैदान छोड़कर भागना चाहते, मगर कहां उस दो टके की मास्टरनी के पास। क्या पक रही, न जाने तुम्हें उस गंदी चाल में रहने वाली छोकरी में क्या नजर आता है। ऐसी ऐसी सती सावित्रियां बहुत देखी, बाजार में टके की दो मिलती है। क्या कह रही हो, इतनी बेतकल्लु की मत बरतो मेरी जान। विद्या देखेगी तो क्या कहे। शैतान, विद्या का नाम लेती शर्म नहीं आती, जल से मार डालूंगा। मार जितना जी चाहता है मार, मगर अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई सती सावित्री नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके, सिर्फ मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं। तुम्हें दुख किस बात का है, कल तुम लॉन्ड्री में 45 रुपए के नौकर थे, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, रुपया, पैसा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, घूमने के लिए अच्छी गाड़ियां, रहने के लिए अच्छा मकान, दौलत, इज्जत, शोहरत। दौलत, इज्जत, शोहरत, जिधर जाता हूं उधर जुआरी, धोखेबाज और 420 कहलाता हूं। एक बात याद रखो राज, जो 100-200 हजार के चक्कर में रहते वो जुआरी, धोखेबाज और 420 कहलाते, लोग उन्हें नीच समझ कर धुतकारते हैं। 420 करनी है तो ऊंचे पैमाने पर करो, शेर सोना चंद धर्मानंद की तरह लाखों और करोड़ों की बाजी लगाओ, और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें 420 कहने, फिर तुम भी शेर सरकार कहलाओ, दानी और धर्म पालक कहलाओगे, बड़े आदमी कहलाओगे। तुम्हारे जैसा नौजवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आज सोना चंद धर्मानंद तुम्हारी अकल और तेजी से अपना उल्लू सीधा कर रहा है, अगर तुम चाहो तो शेर सोना चंद धर्मानंद को भी चक्कर में डाल सकते। इसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। तुम सच कहती हो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।